जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग गणित की एक बेहतरीन सीरीज पढ़ने का, इसको कह सकते हैं कि गणित की मैराथन सीरीज, गणित की वो मैराथन सीरीज है जहां से आपके परीक्षा में सीधे सवाल आते हैं। अगर आप सभी लोग सीटेट पास करना चाहते हैं, सीटेट में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं और गणित से डर लगता है, चाहे जूनियर हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे डीएसएसबी हो, केवीएस हो, सुपर टेट हो, जहां जहां गणित शिक्षण है, चाहे यूपी टेट के पाठ्यक्रम में हो, मैंने जहां भी गणित शिक्षण आपको पढ़ना पड़ेगा, जहां से गणित शिक्षण के सवाल आएंगे, यकीन मानिए इस नोट्स के बाहर नहीं जाएंगे। इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स के माध्यम से आज हम इसकी संपूर्ण व्याख्या आपके लिए लेकर आए, क्योंकि अब की बार सीटेट पार और इस सीटेट में 15 नंबर के प्रश्न है और जहां से 15 नंबर की भरपूर तैयारी हो जाएगी। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको डर लगता होगा कि गणित कैसे हल करें, लेकिन सीटेट में 15 नंबर की शिक्षण है जो केवल एक बात देखा और तुरंत टिक लगा दिया, माने एक चीज आपने पढ़ा और तुरंत टिक कर दिया, आपके नंबर, आपके स्कोर कितना बेहतर होंगे यह आज हम आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे। ये सबसे पहला काम, जैसे वीडियो में जुड़िएगा, पहला काम वीडियो को शेयर करिएगा, ये वीडियो बड़ी होगी और सौरभ जी का कहना है कि वीडियो को अंत जरूर करिएगा, खत्म करिएगा, लेकिन तब खत्म करेंगे जब आपका साथ होगा, जब आप लोग जुड़कर इसको पढ़ेंगे और इसकी स्क्रीनशॉट रखते चलिएगा, आपके परीक्षा के समय एक बेहतर संपूर्ण तैयारी करने के काम आएगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं हल किया है, इस वीडियो को देखने के बाद जब प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में वही मिलते हैं जो सीधा परीक्षा में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेस, तो आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तुरंत पहला काम, ताकि आराम से वीडियो को आप लोग देख सके, आराम से वीडियो को पढ़ सके। इसकी जो प्रैक्टिस सेट है, एक बात मैं आपको और स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि जिसकी प्रैक्टिस सेट है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, और आज ही आप सभी साथी जाइएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर, वहां पे डाउनलोड करिएगा, जहां पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध है, ठीक है, दोनों मोड में, जी हां, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको उपलब्ध है प्रैक्टिस सेट। चलते हैं, अब शुरू करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, बहुत ही बेहतरीन, जितना आपने सोचा उससे भी बेहतरीन क्लास होने वाली है आज। पहला है गणित एक महत्वपूर्ण विषय है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गणित की अर्थ एवं परिभाषा, ये सारा जो फैक्ट है वो एनसीईआरटी के आधार पर है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी गणित शिक्षण है, अर्थात गणित का जादू। आती है पुस्तक कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के लिए, गणित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, गणित की बहुत सारी परिभाषाएं इस प्रकार से बताई गई है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से गणित की परिभाषाएं हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है। पहला, गणित संगणनाओं का विज्ञान है, एक नंबर आपके परीक्षा में तैयार हो गया। दूसरा, गणित मापन दिशा परिणाम का विज्ञान है, 2 नंबर आपका तैयार। वास्तव में गणित का अर्थ उसके नाम से ही है, गणित की गणना करना, अर्थात गणनाओं का विज्ञान है। ये क्या है, गणनाओं का विज्ञान है, गणित विषय आरंभ गिनती से हुआ, जो गणित है इसका आदिकाल से जो इसका विकास हुआ है गिनती से हुआ। पहले के जमाने में जब आदि मानव रहा करते थे, जब कंदमूल फल खाया करते थे, जंगलों में रहा करते थे, तो कैसे गिनते थे कि आज जंगल में शिकार करने कौन कौन गया, तो रधवा गई, मंगरुआ गया, गोवर्धन गया, कलुआ गया, मकलुआ गया, सोहना गया, रधवा गई, तो इस तरह से लोग क्या करते, 1, 2, 3 काउंटिंग करते थे। अच्छा, एक पेड़ है, दो पेड़ है, एक गधा है, एक गदही है, एक शेर है, तो ऐसे शेर माने जंगली जानवर होते, जानवरों को छोड़ो, जानवरों की बात नहीं करना चाहिए क्लास में। तो यहां पर हमने ये देखा कि ये गणित का जो अर्थ है वो परिभाषा, अगर गणित की परिभाषा की बात करें कि कहां से निकला है, ये आदिकाल से निकला है, ये वहीं से निकल कर बाहर आया है, ठीक है। और हम आगे बात करते हैं, आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर करिएगा। अब लॉग के अनुसार, एक कभी कभी आपने देखा होगा कि सीटेट परीक्षाएं जब ज्यादा होने शुरू हो गई, जैसे ऑनलाइन मोड में कई दिन परीक्षाएं होती हैं, तो अलग अलग दिन अलग अलग प्रश्न लाने होंगे, तो वो क्या करेंगे, इन्हीं प्रश्नों में से आगे पीछे करके आपके लिए प्रश्न बैंक तैयार होगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, फिर से मैं ये कहता हूं कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक जरूर बने रहेंगे, बहुत सारे प्रश्न आपको हुबहू लाइन टू लाइन आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। जी हाँ, यहां पर हमने देखा लॉग के अनुसार, ये लॉग के अनुसार क्या था, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। माने आगे हम देखेंगे गणित तर्कणा का विषय है, किसका, तर्कणा करने का विषय है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। अब बात करते हैं मार्शल के अनुसार, किसके अनुसार, मार्शल के अनुसार गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था है, अमूर्त समझ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि रिंकू के पास 10 बतासे हैं, उसने 2 बतासे सरफराज को दे दिया, तो रिंकू के पास कितने बतासे बचे।
अब आपको बता से तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अब आपने सोचा, अपने मन में कल्पना किया कि रिंकू के पास 10 बतासे थे, उसने 2 सरफराज को दे दिए, अब रिंकू के पास कितने बचे? 8 बचे। तो ये आपने क्या किया, ये अमूर्त व्यवस्था है, ये कैसी गणित है, ये अमूर्त है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपने अपने मस्तिष्क जान लिया। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है, मन गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया। मूर्त रूप में कैसे? अब कहेंगे, अच्छा रिंकू के पास 8 बचा, आपने न 10 देखा, आपने न 2 देखा, लेकिन आपने 8 देखा कि रिंकू के पास 8 बतासे बचे। आपने क्या किया, 10 में से 2 घटा दिया, 8 बचे। तो ये क्या हुआ, यहां पर हमने देखा यह आपका मूर्त रूप है, यही आपका क्या हो गया, मूर्त रूप हो गया। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, अब गणित शिक्षण की जो हमने परिभाषाएं थी पढ़ ली, इससे ज्यादा आप मत पढ़िएगा, ये वो मैराथन क्लास है जिससे परीक्षा में सीधे सवाल आपके पूछे जाएंगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब गणित की प्रकृति की बात करते हैं, ये प्रकृति क्या होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मजेदार प्रश्न बैंक की सीरीज है। मजेदार का मतलब होता है परीक्षा में सवाल है। अब हम गणित की प्रकृति की चर्चा करेंगे कि गणित की प्रकृति कैसी है, गणित की प्रकृति क्या है, और इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा आप लोग। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, गणित के जो ज्ञान का आधार है वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है, और गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित के अमूर्त तत्वों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उसकी व्याख्या भी की जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जब आप बचपन में प्राइमरी स्कूल में गए होंगे तो आपने कैसे पढ़ा था, तो वहां पे ऐसे पढ़ाया गया था, एक कलम और एक कलम मिलकर कितना कलम हुआ, तो बताया 2 कलम। एक कलम और एक कलम मिलकर कितना, 2 कलम हुआ। यह क्या था, मूर्त था। यह क्या था, यह मूर्त रूप में परिभाषित था, क्या था, मूर्त रूप में था। लेकिन फिर क्या होता है, अब पेन को हटा लिया जाता है, पूछा जाता है एक और एक कितना होता है, तो कहते हैं 2 होगा। माने गणित की ज्ञान की अगर हम बात करें, पहले मूर्त वस्तु में लाकर ज्ञान बढ़ाया जाता है, बाद में वस्तु हटा ली जाती है, ज्ञान शेष बचता है। यही मेरे प्यारे साथियों गणित का मूलभूत है, कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होती है गणित की, वो अमूर्त से मूर्त की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाता है। पहले मूर्त होता है, फिर अमूर्त की तरफ बढ़ता है, बाद में वस्तु हटा ली जाती है और ज्ञान शेष बचता है। अब हम और आगे चलते हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, गणित की अपनी भाषा होती है, मोस्ट आईएमपी, गणित की भी अपनी एक भाषा होती है, भाषा गर्द गणिती पद, जैसे गणित की भाषा होती है। जैसे मैंने कह दिया कि रिंकू की शादी सरफराज से पहले हुई है, ठीक है। अब ये बताइए पहले हुई है, मैंने कितना दिन पहले हुई है, इसमें कितना शब्द आया, तो गणिती शब्द है। राम बड़ा है रहीम से, तो राम बड़ा कितना बड़ा है, कि अब पूछा जाए कि सौरभ मोटा है कि गोलू मोटा है, तो कौन मोटा है, तो ये मोटा शब्द भी जो है ये गणितीय भाषा है। आम बोलचाल की भाषा में जो हम इस्तेमाल करते हैं वह भी क्या होता है, गणित की भाषा होती है, कि आपने कितना पढ़ा, क्लास कितने बजे शुरू होगी, क्या इतना मैराथन पढ़ने से हम सीटेट गणित में 15 के 15 अंक ले आ सकते हैं, जी हाँ जरूर ला सकते हैं। तो ये होता है गणितीय सूत्र होता है, सिद्धांत होता है, संकेत होता है। गणित का अपनी भाषा होती है, गणित का अपना चिन्ह होता है, गणित का अपना व्याकरण होता है। क्या आपको पता है कि गणित का भी अपना व्याकरण होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप लोग, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, क्या गणित का भी अपना व्याकरण होता है, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, क्या गणित का भी अपना व्याकरण होता है, फटाफट कमेंट करें। ठीक है बताइए, गणित का भी अपना व्याकरण होता है, फटाफट कमेंट करिएगा जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं, यार शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं कटेगा। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बौद्ध मास, काको पहले काट दे ता करिएगा भाग, गुणा करे धन जोड़ दो, अंत में लियो घटाए, ये क्या है, गणित का व्याकरण है, जिसमें कर्ता क्रिया कर्म के साथ ऐसे रखते हैं, वैसे इसमें भी है, पहले कौन से हल करेंगे, उसके बाद किसको हल करेंगे, उसके बाद किसको हल करेंगे। तो माने गणित की अपनी भाषा होती है, गणित का अपना संकेत होता है, गणित की अपनी परिभाषा होती है, गणित का अपना व्याकरण होता है। मोस्ट आईएमपी चीजें हैं जो आपको शायद अन्य चैनलों पे पढ़ने को ना मिले, एज ए गेस्ट ग्रुप में निशुल्क हम आपके लिए देश हित में राजहित में लाइव सेशन लेकर आते हैं, और आप जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है, नोट्स है, वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, पूरी एनसीईआरटी मैथ।
आगे हम बात करते हैं, गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण है, यह तार्किक विचारों का विज्ञान है, गणित में जितना है वो सब तर्कपूर्ण है। अब जैसे बात किया जाए, यहां पर जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जैसे अगर उनके बारे में बात किया जाए, उनके बारे में चर्चा किया जाए, तो आप लोग को समझ में आएगा अच्छा कि सुशील बड़ा है कि सरफराज बड़ा है, तो कैसे पता चलेगा। तो गणित में जो सब कुछ है वो तर्कपूर्ण है, वो तार्किक विचारों का विज्ञान है। इसलिए यहां पर जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो जानिए। चलिए और आगे चलते हैं। गणित में अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। ध्यान दीजिएगा, गणित अध्ययन से मस्तिष्क में, दिमाग में तर्क करने का जो आदत होता है वो धीरे धीरे विकसित होता है। ये लाइन टू लाइन आपके परीक्षा में सीटेट में पूछेगा, केबीस में पूछेगा, डीएसएसबी में पूछेगा, यूपीटेट में पूछेगा, एमपीटेट में पूछेगा, जहां जहां गणित शिक्षण है उन सभी जगह पूछा जाएगा। अब हम और आगे चलते हैं। आगे ध्यान से देखते हैं हम लोग, कह रहा है गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है, गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे कि रिंकू के पास 10 बतासे थे, उसने राहुल को 6 बतासे दे दिए, अब कितने रिंकू के पास 4 बतासे बचे। अब ये कहीं भी, चाहे इसको चंद्रमा पर जोड़िए, मंगल ग्रह पे, बुध ग्रह पे, बृहस्पति पर, शनि पर, अरुण पर, वरुण पर, कहीं भी, चाहे अमेरिका, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी ले जाइए, क्या इसके मान में कोई अंतर होगा? क्या 10-6=4 के जगह कहीं कुछ और आएगा? चाहे चीन में लेके चले जा, चाहे इलानी में दुर्गेश के ऑफिस में लेके चला जा, का एकर मान बदल जाए ना बदले, एकर मतलब यही हो कि गणित जो इसका आधार निश्चित है, इसका बेस निश्चित है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। जी हाँ, इसके मान में कभी भी कहीं भी किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं हो सकता। या तेज हवा चल गई, तेज धूप खिल गई, खूब बारिश हो गई, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा? कभी परिवर्तन नहीं होगा। ये इसीलिए गणित एक विज्ञान है। आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, कब? जब आप लोग ज्यादा ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा ज्यादा लोगों को पहचान करेंगे। ठीक है, आप लोग अगर क्लास बेहतर लग रही है तो पहुंचाइए भैया। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रश्न सत्यात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। गणित के ज्ञान से बालक में ही समझ में आता, इसे कोई कह रहा है कि ई लर्निंग दुर्गेश के नोट से 2 दिन में पूरा सीटेट तैयार हो सकता है, तो गणित सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब नोट शॉर्ट होगा, ऑथेंटिक मैटर होगा, वही परीक्षा वाले सवाल होंगे, वरना इतना बड़ा सिलेबस कैसे पूरा होगा? तो हाँ, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स को 2 दिन में अगर आप पढ़ ले तो पूरा सीटेट क्लियर हो जाएगा। कब? जब गणित के ज्ञान से बालकों में क्या होता है, प्रश्न का सत्यात्मक दृष्टिकोण होता है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तब आपके दिमाग में हो सकता है, नोट शॉर्ट हो, बेहतर हो, एनसीईआरटी पे फोकस हो, या उन चीजों पर फोकस हो जहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। इसलिए अब हम और आगे चलते हैं। ठीक है सौरभ, कर सो थोड़ा तेज पढ़े, जल्दी खत्म हो जाए, नहीं तो फिर बच जाएगा, तो बच जाएगा, शाम को हम लोग पढ़ लेंगे, मतलब कुछ देर बाद पढ़ लेंगे, अगले दिन पढ़ लेंगे, या तो आपने नोट्स तो लिया ही होगा। देखिए, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। जब भी मैंने चर्चा किया, जो गणित का नियम है, जो सिद्धांत है, जैसे अगर यहां पर हम बात कर ले कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का इसका मान, इसका नियम, इसका सिद्धांत, इसका सूत्र क्या अमेरिका में अलग हो जाएगा, रूस में अलग हो जाएगा, थाईलैंड में अलग हो जाएगा, इंडोनेशिया में अलग हो जाएगा, बताइए, ब्राजील में अलग हो जाएगा, मिस्र में अलग हो जाएगा? नहीं अलग होगा। तो यही बात है जो मैंने अभी बात बताया आपको। गणित का ज्ञान क्रमबद्ध होता है, यथार्थ तथा अधिक स्पष्ट होता है। जैसे गणित का जो ज्ञान होता है, जैसे कह दिया जाए, जैसे यहां पर कह दिया जाए कि तनु मोटी है या वसिका मोटी है, तो कैसे पता चलेगा, कैसे जानेंगे बताइए? इसकी अधिक स्पष्ट होता, मैंने देख के लग जाएगा कि कौन खाए पिए परिवार से है, कौन हमारे से परिवार से है, वजन से है। माने गणित का जो ज्ञान होता है क्रमबद्ध होता है, यथार्थ अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। अगर एक बार आपने पढ़ लिया है बचपन में ही कि 2 × 3 = 5 है, तो क्या बूढ़े हो जाएंगे, तो क्या अब इसका मान अलग हो जाएगा? बताइए जरा कमेंट करके, बताइए जरा फटाफट कमेंट करें जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं,
कि अगर तीन नंदवा आपने बचपन में पढ़ लिया है तो क्या आज भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे। जो आज आपने पढ़ लिया है, आज के साल भर पहले भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आज भी आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है, ये गणित शिक्षण है, पूरी पैडागॉजी सीरीज है, ओरिजिनल जो आप परीक्षा में पढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि बच्चों में वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। अब बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने का मतलब क्या है? अब जैसे अगर कोई बच्चा गणित शिक्षण पढ़ रहा है, गणित पढ़ रहा है, वो आपने देखा होगा वो क्या करेगा, चप्पल देखेगा तो चप्पल को इसे काट के टायर बना लेगा, जोड़कर डंडा से उसको चलाना शुरू कर देगा। अब बच्चा क्या करेगा, हवाई जहाज बनाएगा। माने बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जन्म लेता, जब वो गधे गणेश गोबर रहे तो का वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिया है। अब इसे सौरभ के अंदर देखिए, नई नई चीजें लेकर आते हैं, नई नई चीजें आपके पास लेकर आते हैं, ऐप में नई चीजें देते हैं, आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं, आपको क्लासेज उपलब्ध कराते हैं, तो क्या है? उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ है। अगर वो बचपन में गणित ना पढ़े होते क्या उनके मन में ऐसा आता? इसका मतलब यह है यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यही वैज्ञानिक सोच है। हम आगे बात करते हैं, इसके विभिन्न नियम, सिद्धांत, सूत्र, संभावित उत्तर निश्चित होते हैं, इससे संदेह की संभावना नहीं होती। जैसे अगर क्लास खत्म हो जाएगी तो एकता जी क्या करेंगे, इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देती हैं, मगर इसमें संदेह करने की बात ही नहीं है, गणित की तरह। तो इसके विभिन्न नियम, सिद्धांत, सूत्र क्या होते हैं, संभावित उत्तर निश्चित होते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 10 में 5 जोड़ दिया जाए तो 15 होगा, ये एकदम निश्चित है, सत्य है। इसको पढ़ लिया गणित शिक्षण में बेहतर स्कोर होगा, यह भी एकदम सत्य है, जैसे कि सीरीज आपको बता रहा है। और आगे चलते हैं, इसमें बालक का आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता विकसित होती है। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है, जैसे अब आपको समझ में आ गया, हाँ यार इतना सरल गणित शिक्षण होता है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे जैसे गणित आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, मैंने पढ़ाया भी है, जब गणित के सवाल आप लगाते हैं, गणित जब आप पढ़ते हैं तो एक चीज आपने देखा होगा कि जब सवाल आते हैं तो लगाने का मन करता है, और अच्छे से लगाइए, 2 घंटे जगह 3 घंटे सवाल लगाइए, लेकिन जब नहीं आता बोरे होती ढाड़ में जाए, फेंक दे, चलो सो आ जाए। तो मतलब क्या होता है, यही है कि बालकों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता विकसित होती है। किसमें? बालकों में। तो रट लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, स्क्रीन शॉट जरूरत पड़े तो आप लोग ले लीजिएगा, वैसे आपकी मर्जी, ठीक है। सभी लोग इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सभी लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा क्या दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, और ई लर्निंग भी दुर्गेश आगे उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में मिलती रहेंगी। अब हम बात करते हैं एनसीएफ 2005, एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपकी परीक्षा में 5 प्रश्न पक्के आएंगे। जी हाँ, इसको अगर आपने तैयार कर लिया तो 5 प्रश्न आपके फिक्स आएंगे। और अगर हम बात करें पूरे सीटेट की, तो यहां से आपको 30 से 35 प्रश्न आएंगे। जी हाँ, 30 से 35 प्रश्न अगर आपने लेने में दुर्गेश का नोट्स पढ़ा होगा तो वहां पे एनसीएफ 2005 की खुद से एक नोट्स रहती है, नोट्स वहां पे एक अलग से मिलती है एनसीएफ 2005 की, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग आराम से पढ़िएगा, ये सभी विषय शिक्षण में काम करेगा, ये केवल गणित में ही नहीं, ये शिक्षण केवल गणित का ही नहीं है, इसमें हिंदी भाई, इसमें देखिए हिंदी का भी पढ़िए, संस्कृत का भी पढ़िए, ईबीएस का भी पढ़िए, यहीं पर आप सीडीपी का भी पढ़िए, माने सभी विषयों के लिए। अब कोई बाद में वीडियो को देखेगा कहेगा सी एच एस ई क्या बनाया गया है, सी माने सीडीपी हो गया, ही माने हिंदी हो गया, सी एस से हो गया हमारा संस्कृत हो गया, ई से हमारा इंग्लिश मान लीजिए, ईवीएस मान लीजिए, ठीक है। तो जरूर से आते हैं एनसीएफ 2005, तो एक बार आप लोग वीडियो को फिर से शेयर करिएगा, यहां से आपके परीक्षा में कम गणित शिक्षण में तो 5, अन्य शिक्षण की बात करें तो मिला के 20 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। पहला, जीवन एवं ज्ञान के मध्य दूरी को कम करना, इस प्रक्रिया में बच्चों को विद्यालय जीवन से बाहरी जीवन को जोड़ना। याद रखे एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को विद्यालय दुनिया के बाहर से जोड़ना। मेरे प्यारे साथियों इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि जो बच्चे हैं उन्हें विद्यालय दुनिया से बाहर की तरफ जोड़ना, एकदम रट लीजिएगा, माने एक नंबर यहां से फिक्स आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि जो बच्चे होते हैं इन्हें कहां जोड़ना, इन्हें बाहर की दुनिया से जोड़ना। मेरे प्यारे साथियों ये रट लीजिएगा, कब ये हिंदी में भी आता है, गणित शिक्षण में भी आएगा, संस्कृत शिक्षण में आएगा, पर्यावरण शिक्षण में आएगा। हमें बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल देने हैं, बच्चों को ऐसा बताना है ताकि बच्चे जो है उनको बाहर, जैसे अगर आपको मान लेते हैं आपको जोड़ पढ़ाना है, तो जोड़ पढ़ाने के लिए ये बताइए कि बेटा जाओ देख के आओ क्लास में कुल कितने पंखे लगे हैं,
क्या लगे हैं? पंखे लगे हैं। अब आपको उसको जोड़ नहीं पढ़ाया, बच्चा गिनेगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, कहेंगे सर कुल आठ पंखा लगा है, कह देंगे क्या तो खराब है बताओ, कहेगा सर वो कक्षा तीन वाला तो खराब है, ऑफिस खराब है। अब छह हुए, अब आपने बताया भी नहीं, उसने आपने जोड़ पढ़ा दिया, उसे घटाना पढ़ा दिया, जोड़ की अवधारणा समझा दिया। यही है जीवन योग ज्ञान के मध्य को, दूरी को कम करने के लिए बच्चों को विद्यालय जीवन को बाहरी दुनिया से जोड़ना। रट लीजिएगा, एक नंबर यहां से पक्का आएगा, इस बार परीक्षा में जरूर पूछेगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट के लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा सभी लोग। हम आगे चलते हैं, यार वीडियो को शेयर करें यार, कहीं पढ़ाने में कोई कमी है क्या यार, आप लोग इतनी से कम संख्या है, अगर ऐसा पढ़ा दे कोई चैनल को छोड़ दीजिएगा। चलिए अब हम यहां पे ध्यान से देखते हैं, कह रहा है एनसीएफ 2005, एक सवाल है एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। एनसीएफ प्राथमिक कक्षा में लागू किया गया, इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को जो रटने की प्रणाली थी इसे मुक्त करना, ताकि विद्यार्थियों की चौमुखी विकास हो। तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, गांठ बना लीजिए, क्या कि सभी लोग ध्यान से समझिएगा, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे हिंदी हो, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, असमिया, बंगाली, कोई भी भाषा हो, आप हमेशा याद रखिएगा कि बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को याद नहीं करवाना है, बच्चों को रट्टा नहीं मरवाना है, उसे दोहरवाना नहीं है, उसे कंठस्थ नहीं कराना है, परिभाषा, शब्दावली, इन सभी चीजों को किताबों से, पाठ्य पुस्तक से इसे दूर रखना है। ये कौन कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है। अब आपको ध्यान देना होगा अपनी किताबों को, और ये सोचना होगा कि किताब में कौन तरह के सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रहे कि कौन तरह के सवाल पूछा जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। कहीं भी नहीं है कौन सा सही है, उपयुक्त में सबसे ज्यादा सही कौन है, उपयुक्त में कौन सा सही नहीं हो सकता, तो यह सारी बातें प्रश्न के आधार पर आपको उत्तर देना है। यह बात याद रखिएगा, यह नोट्स आपके सिलेक्शन में काफी मदद देगा। अब हम और आगे चलते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं, सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, माने हमारा जो प्रक्रिया है पूरी तरह से वो कैसी होनी चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, वो पूरी तरह से बाल केंद्रित होना चाहिए, माने जो बच्चा होता है उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। अगर बच्चा आपको गाली दे दे, बच्चा आपको मार दे, क्लास में लेट आए, क्लास में पढ़े ना, क्लास छोड़कर भग जाए, बच्चे को मार करे, परेशान करे, बैग चुरा ले, कुछ भी करे, बच्चे को मारना नहीं है, बच्चों को डांटना नहीं है, उसके कारणों को जानने का प्रयास करना है कि बच्चा कहीं ऐसा है, बच्चा कहीं गरियाता है, बच्चा कहीं मार करता है, बच्चा कहीं भाग जाता है, बच्चा कहीं गुटखा खाता है, बच्चा कहीं फेल हो गया, माने सारा काम, क्योंकि बच्चा हमारा भगवान है। अगर आपको यह लाइन समझ में आ गई तो सीटेट पार हो जाएंगे कि बच्चों को क्या करना है, पूरा भगवान है, उसकी परीक्षा नहीं लेनी है, उसका मूल्यांकन नहीं करना है, उसके ज्ञान की जानकारी नहीं रखना, बस बच्ची पढ़त रहे, मेहनत करत रहे, बाऊ माई का नाम रोशन किए, यही मंत्र अगर आपको याद है तो सीटेट पार हो जाएंगे, सीटेट क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। ठीक है, सभी को होगा पेपर, फर्स्ट पेपर सेकेंड दोनों होगा, लेकिन आप जुड़ेंगे क्लास में, अंत तक बनेंगे तभी तो। अब ऐसी विशेष सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो, माने ऐसी विशेष सामग्री बनाइए जिससे बच्चे के अंदर क्या हो, बताइए बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, बच्चे के अंदर इस भावना का विकास हो कि अपने आप के व्यक्तित्व को समझे। ऐसा ना हो कि बच्चा ये समझे कि अरे मार दूंगा, कपाल फोड़ दे, अगर कॉपी चुरा ले, ये भावना उसके अंदर नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे पाठ्यक्रमों का विकास करना चाहिए जो आपके बच्चे हैं वही आपके भगवान हैं, और हमें उन्हीं के इर्द गिर्द सारा काम करना है, और हमारा एकमात्र उद्देश्य होगा बच्चों का चौमुखी विकास करना, इसलिए उन्हें मारना नहीं है, डांटना नहीं है, प्रभावशाली शिक्षण करना है। जैसे आपने जौनपुर में सीएम सर को देखा होगा, आप लोगों ने इस तरह का शिक्षण अपनाना है ताकि बच्चे आपके लिए पढ़ने के लिए जिज्ञासु हो, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करिए, तो हमारा जो शिक्षण होगा ये व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए होगा, इसका एकमात्र उद्देश्य ही होगा। अगला है कि बच्चों में गणित का डर बचपन से आ जाता है, उसका आनंद उठाइए, माने बच्चों गणित ऐसे पढ़ाइए उसका आनंद उठाएं। गणित के बेहतर शिक्षा का हक
हर बच्चे को है, गणित की जो बेहतर शिक्षा है इसका हक प्रत्येक बच्चे का है, लेकिन उसके लिए बच्चों को डर भगाना है और डर भगाने के लिए वैसा गणित पढ़ाइए उसके अंदर आनंद हो। और जब बच्चा आनंद की प्राप्ति करेगा, जब बच्चों के अंदर आनंद की अनुभूति होगी, तो यकीन मानिए बच्चे का शिक्षक से डर, गणित से डर खत्म हो जाएगा, शिक्षकों के प्रति लगाव होगा, अपने विषय के प्रति लगाव होगा, यहां तक कि वो शादी बंद कर देगा, खेल बंद कर देगा, लेकिन अपनी कक्षा में आएगा, अपने अध्यापक के साथ पढ़ेगा, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो हमने क्या देखा कि बच्चों के गणित के डरने के बजाय उसका आनंद उठाए, और यही तरीका है। आज भी लोग गणित से डरते हैं, अगर बचपन में शिवम सर जैसे टीचर जिसको मिल जाते तो वो डरता नहीं। आगे हम बात करते हैं, बच्चे सार्थक समस्या उठाएं और उन्हें हल करें। बच्चे जो है एक सार्थक समस्या उठाएं। कोई बच्चे अगर आपकी कक्षा में सवाल पूछ देता है, अगर कोई बच्चा आपकी कक्षा में सवाल पूछ देता है, बार बार सवाल पूछता है, जैसे कोई आएगा सर पेपर 2 कब पढ़ाएंगे, बार बार सवाल पूछ रहा है, तो उसकी जिज्ञासाओं को शांत करिए, उसे बताइए कि बेटा अभी इसके बाद पढ़ाएंगे, इसके बाद बताएंगे, हाँ इसके बाद क्लास होगी, इसी क्लास में तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। उर्दू पढ़ा रहे हो, अचानक कोई बच्चा कहे सर हमें मलयालम पढ़ा दीजिए, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। हाँ बेटा रुको, इसके बाद हम मलयालम पढ़ाएंगे, इसके बाद असमिया पढ़ाएंगे, इसके बाद बंगाली पढ़ाएंगे, इसके बाद कोकड़ी पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। तो इस तरह से बच्चे का समस्या उठाएं, उन्हें हल करें, उन्हें तत्काल जवाब दें। लेकिन मैराथन क्लास में ऐसा ना करें जैसे मैं आपको, आप तो बच्चे नहीं है, कुछ बच्चों के पिता होंगे, कुछ बच्चों के माता होंगे, ऐसी समस्या यहाँ ना। आगे हम देखते हैं कि गणित शिक्षा से बच्चों में तर्क करने की, सोचने के, अमूर्त चिंतन की, समस्या समाधान क्षमता का विकास होता है। जैसे जब लाइव पढ़ते हैं तो जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रेगुलर क्लास पढ़ते हैं, वो आपके सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में दे देते हैं। जैसे बहुत सारे से कल्पना जी हैं, एकता जी हैं, रिंकू हैं और शिवम सर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके समस्याओं का सीधा लाइव जवाब देते हैं। और आपके बीच लाइव सेशन जब पढ़ रहे होंगे तो शिवम सर के नाम से कमेंट आ रहा होगा, वो जौनपुर जनपद की शान है। जितने भी शिक्षण आप पढ़ते हैं इन सब का प्रयोग वो अपनी कक्षा कक्ष के अंदर करते हैं और बताते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे सिखाना है, वो करके दिखाते हैं, जिसे आज हम पढ़कर, आप पढ़कर सरकारी शिक्षक बनने जाएंगे। तो आपके बीच इस लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं और हम उनका धन्यवाद कहना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण आपको देखने को मिलता है। हम आगे चलते हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। बच्चे गणित की मूल संरचना समझे, जैसे गणित की जो मूल संरचना होती है क्या क्या होती है, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति। तो बच्चे गणित की मूल संरचना को समझे, इसके लिए ध्यान देना होगा क्या क्या, कि अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, इनकी संरचना को समझे। अगर पूछा जाए कि गणित की कितनी शाखाएं हैं तो क्या बताएंगे, जरा कमेंट करके बताइए सभी लोग। यार वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए ऐसी क्लास। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो हिंदी शिक्षण पूरा बचा है, पर्यावरण शिक्षण बचा है, आपका संस्कृत शिक्षण पूरा बचा है, तो ट्रेलर है, देखिए पेपर 2 पूरा बचा है, SST बचा है। बच्चे गणित के आवश्यक दैनिक गति में जोड़े, माने बच्चों को गणित के आवश्यक दैनिक गति में जोड़े। कहेंगे दैनिक गति क्या होती है बताइए, तो आइए बताते हैं कि दैनिक गति का मतलब क्या होता है। दैनिक गति का मतलब रोज भागना नहीं होता है, उनके डेली के जो क्रियाकलाप है, जैसे बच्चों को फिल्म देखना पसंद है, तो एक काम करिए बच्चों को ही फिल्म में उतार दीजिए, क्योंकि बच्चा जो होता है उसके अंदर चौमुखी विकास होता है। कोई अच्छा बजाता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है, कोई अच्छा धनुष चलाता है, कोई अच्छा फोटो क्लिक करता है, कोई अच्छा पढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अच्छा क्रिकेट खेलता है वो बच्चा आपको उपयोग करे, वो भी आपके लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना अन्य बच्चे होते हैं। इसीलिए हमें आपको समावेशी शिक्षा पढ़ाया जाता है और हम समावेशी शिक्षा की धारा में जुड़ते हैं, आपने देखा होगा। इसलिए बच्चों को फिल्मी दुनिया से जोड़ने के लिए उन्हें सम्मिलित करिए, रामायण, महाभारत, कृष्णा, या जो नए नए हमारे भारत के महान व्यक्तित्व हैं उनके विचारधाराओं के साथ जोड़कर उनके साथ फिल्म का बनाइए, उनके साथ जोड़िए, उनके साथ पढ़िए। तो यही क्या है, उनके जो दैनिक जीवन है उसमें गणित को मिला दीजिए। अब इस प्रकार से हम बच्चों के अंदर गणितीय भावना का विकास कर सकते हैं। अब हम और आगे चलते हैं जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी लोग क्लास में कमेंट कर रहे हैं, कमेंट नहीं ले पा रहे, शिवम सर का थैंक यू। और ये ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हैं और आपके साथ पढ़ रहे हैं और जिन्हें पूरा प्रदेश जानता है और खासकर बच्चों के शिक्षा के लिए अहम काम करते हैं, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो कक्षा कक्ष में इसका पूरी तरह से उपयोग करते हैं। तो थैंक यू शिवम सर, और सभी का थैंक यू। अब हम आगे देखते हैं, यहां पर हमने देखा कि NCERT 2005 गणित एक ऐसी पाठ्यचर्या का मांग करता है जो महत्वाकांक्षी, सुसंगत, महत्वपूर्ण गणित सिखाए, माने गणित
ऐसे 2005 ये कहता है कि मांग करता है कि महत्वाकांक्षी सुसंगत महत्वपूर्ण गणित सिखा सके, मार कर डरा कर याद करवाकर कंठस्थ कराकर रटा कर बच्चों को दिमाग को यांत्रिकीकरण करके इस तरह से किसी भी प्रकार से शिक्षा नहीं देने की बात एनसीएफ 2005 करता है। इस बात के लिए एनसीएफ 2005 इसकी वकालत करता है। महत्वाकांक्षी इस अर्थ में अभी प्रश्न आता है आपके परीक्षा में, अगर आपने प्रीवियस पेपर हल किया होगा तो महत्वाकांक्षी इस अर्थ में उच्च लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करे, ना कि केवल सीमित लक्ष्य की, उच्च लक्ष्य की प्राप्त करना। हमें बच्चों को उसके योग्यता के आधार पर उसे पहुंचाना है। कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है, कोई अमिताभ बच्चन बन सकता है, कोई हमारे यहां अंबानी बन सकता है, लेकिन कोई आपके देश में एक शिक्षक बन सकता है, कोई आपकी तरह बन सकता है, तो उनकी योग्यताओं की तरफ उन्हें ले चलिए। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है उच्च लक्ष्य की प्राप्ति करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। सुसंगत होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए ताकि टुकड़े टुकड़े में उपलब्ध विभिन्न प्रणालियों का शिक्षा अंगणित बीजगणित सभी क्षमता हल कर सके। मतलब ध्यान रहे हमें उसको सभी पे अंगणित भी बीजगणित भी रेखागणित भी इन सभी विषयों को पे बल देना है, पढ़ाना माने इन सभी को प्रणालियों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है खाली अंगणित पढ़ाना है, खाली बीजगणित पढ़ाना है, खाली रेखागणित पढ़ाना है, सभी को सारी क्षमताएं बच्चे हल कर सके। ऐसा नहीं है टिकटॉक जाओ टिकटॉक पर जाकर गाना गाएं नाचना शुरू करें, ऐसा ना करें। वो भी भाई उनकी भी योग्यता वो भी करें, वो भी जरूरी है, लेकिन सभी लोग ऐसा करेंगे तो ये तो नहीं हुआ। जिनके मन में है जो बेहतर कर सकते हैं वहां बेहतर कर सके, जो कॉपी कलम से बेहतर कर सकते हो कॉपी कलम से बेहतर करें, लेकिन सभी लोग ये करके क्या करें आगे बढ़ते रहें। ठीक है, हम और आगे चलते हैं। अब आते हैं कुछ शिक्षण विधियां जो परीक्षा में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो विधि आ गई है विश्लेषण विधि है। आइए विश्लेषण विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। परीक्षा में यहां से क्या क्या सवाल आते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं कहा है भैया, जितने इस वीडियो को लाइक करें पहला काम एक बार वीडियो को शेयर करके हैं सभी लोग, तब तक हम पानी भी लेते हैं और आप लोग तब हम शिक्षण विधि पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सभी लोग फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, अपने अपने स्टेटस पर डाल दीजिए वीडियो को, चाहे अपने फेसबुक पर चाहे यूट्यूब पर। देखिए हम बात करते हैं विश्लेषण विधि की। किसकी? विश्लेषण विधि की। विश्लेषण विधि में क्या क्या, इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। किससे? अज्ञात किससे? ज्ञात की ओर जाते हैं। जैसे सिद्ध करने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है, इसे सिद्ध करिए। हम अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हैं। ज्ञात क्या है? ये हमें ज्ञात है कि तीनों त्रिभुज के तीनों समकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर अर्थात 180 अंश होता है, लेकिन जाना कैसे ये हमें नहीं पता। यह विश्लेषण विधि है। इसका प्रयोग रेखागणित में प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है इसका प्रमेय कहां होता है, तो इसके प्रमेय का प्रयोग कहां होता है, इसे गणित रेखागणित के प्रमेयों को सिद्ध करने में, अंकगणित के प्रमेयों को सिद्ध करने में, बीजगणित के प्रमेयों को सिद्ध करने में प्रायः इसका प्रयोग किया जाता है। इसका गुण क्या है? स्वयं समस्या का समाधान करना, माने इससे बच्चा क्या सीखता है कि समस्या का स्वयं समाधान कैसे कर सके। हल खोजने पर बल देती है, हल जो होता है खोजने पर बल देता है, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या होता है? बच्चों के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक, आगे चलते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक, इसका कारण और क्या है गुण दोष की बात करें, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने, खोज करने की क्षमता, अन्वेषण क्षमता का विकास करती है। कौन? विश्लेषण विधि। लेकिन इसमें नुकसान भी है, इसके दोष भी हैं। समय ज्यादा लगता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको समय ज्यादा लग रहा होगा, छोटी कक्षा के लिए अनुपयोगी, बड़ी कक्षाओं के लिए भाई सीधा सीधा सिद्ध करने की बात। अब प्राइमरी के बच्चे आपसे सीखने आ रहे हैं तो कैसे सिखा देंगे, तो ये इसका दोष है। कुशल अध्यापक की आवश्यकता होगी, अब आप जैसा अध्यापकों की आवश्यकता होगी, आप जैसे शिक्षकों की आवश्यकता होगी, आप जैसे शिक्षकों की आवश्यकता होगी, तर्क शक्ति जरूरत होती है। यहां पर क्या होगा? अब बच्चों के अंदर तर्क करने की शक्ति का विकास होगा। जी हाँ, बच्चों के अंदर तर्कना शक्ति का विकास होगा। तो ये इसके तर्क शक्ति जरूरत, जिसके पास तर्क शक्ति नहीं है, कोई मेरी तरह अगर मंद बुद्धि बालक है तो कैसे सीखेगा। जरूरी भाई सिद्ध करने वाली बात है, आप जैसा बालक होना चाहिए, आप जैसी बालिका होना चाहिए, मेरे ऐसे मंद बुद्धि क्या होगा, नहीं होगा ना। अब सर्व ऐसा होगा कि एक बार बता दीजिए कि नहीं इसको इस कहना ऐसे करना है, बस बता के चले जाइए क्लास में,
ठीक है, अब वो बेचारा कैसे करना है, वो बेचारा परेशान, लेकिन धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा आएगा जो उसको बताया था वही कहेगा भैया तेने क्या मार देना थंबनेल बनाया था, और वही थंबनेल वर्षों तक यूज करेगा। ठीक है, तो सौरभ से गुरु हो गए ना। हाँ, आगे चलते हैं। अन्वेषण विधि भी पढ़ेंगे भैया, परेशान ना होंगे, उसे ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जानते हैं। आपकी संख्या बड़ी कम रहती है, पता नहीं कहा यार। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, संश्लेषण विधि या विधि विश्लेषण विधि का पूरक है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, छोटे छोटे खंडों को प्राप्त जानकारी को जोड़कर प्रयोग किया जाता है। जैसे ए बराबर बी, बी बराबर सी, ए बराबर बी ज्ञात है, बी बराबर सी ज्ञात है, माने यह विधि विश्लेषण विधि को पूरा करती है, जो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर संश्लेषण का प्रयोग करते हैं। अतः एसी अर्थात ज्ञात करने बातों का प्रयोग करके ज्ञात खोज, मतलब यहां पर हम कह दें यदि ए बराबर पांच और बी बराबर तीन हो तो ए स्क्वायर प्लस टू बी का मान क्या होगा। अब यहां पे ज्ञात है ए बराबर पांच, बी बराबर तीन, अज्ञात क्या है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब हमें इसी की तरफ ज्ञात करना है, यही मान हमें आपको ज्ञात करना है। तो आपने ज्ञात किया पांच का स्क्वायर हुआ पांच स्क्वायर प्लस तीन गुणे दो माने पच्चीस प्लस छह बराबर इकतीस, तो यह क्या हो गया, यह हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़े, यही क्या है एक संश्लेषण विधि है। हमने क्या किया मान रख दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अतः एसी अर्थात ज्ञात करने वाले प्रयोग कर, अच्छा ये तो मान लो छोड़ दीजिए, ये निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण है, इसके गुण क्या क्या है, ये गुण के बारे में बात कर लेते हैं। यह विधि सरल सूक्ष्म का क्रमबद्ध होती है। यह विधि क्या होती है, सरल सूक्ष्म क्रमबद्ध होती है। जैसे क्रम से मैंने निकाला, ए की जगह ए का मान रखा, बी की जगह बी का मान रखा, सरल है, छोटी भी है, समस्या हल जल्दी निकलता है, अर्थात कम समय पर हमने हल निकाल लिया। अब कम समय में क्या किया, हमने उस प्रश्न का हल ज्ञात कर लिया। फिर स्मरण शक्ति का विकास होता है, अच्छे से स्मरण शक्ति का विकास होता है। मंद बुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी विधि है, जैसे मेरे जैसे मंद बुद्धि छात्र के लिए भी यह विधि क्या उपयोगी है। ज्यादातर गणितीय समस्याएं, ज्यादातर जो गणितीय समस्याएं होती हैं इसी विधि से हल की जाती हैं। क्यों, इसी से, जैसे कह दिया जाए यदि ए बराबर तीन और बी बराबर चार हो तो ए अनुपात तीन बी प्लस टू ए अनुपात बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो गणितीय समस्याओं का हल हर मंद बुद्धि बालक बालिका कर लेगा, मैं भी करूंगा और आप भी कर लेंगे यहां ए बी के मान रखकर। अब हम और आगे चलते हैं, अगला है आपके सामने दोष। इसके दोष क्या क्या है, रटने की प्रवृत्ति है, रटना लिख लीजिएगा। अब इसमें रटने की प्रवृत्ति होगी, खोज करने की क्षमता का विकास नहीं होता, जो है वही मान रखना है। अर्जित ज्ञान जो है कि ए का मान ऐसे रखना है, बी का मान रखना है, जो मान देगा उसको वैल्यू रख देना है, यह विकास में सहयोग नहीं करता। तार्किक क्षमता का चिंतन है, ये चिंता नहीं करता, जो है वही हल कर दीजिए। तो ये क्या था, इसका दोष था। हम बात करते हैं आगमन विधि की। आगमन विधि के प्रेरणता कौन है, अगर सवाल आता है कि जो आगमन विधि है इसकी प्रेरणता कौन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आगमन शिक्षण विधि की प्रेरणता कौन है। तो इस विधि के जनक अरस्तु है, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा, इस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखे जाते हैं। इस विधि में तीन कार्य किए जाते हैं, पहला विशिष्ट से सामान्य की ओर मोस्ट आईएमपी, ज्ञात से अज्ञात की तरफ मोस्ट आईएमपी, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ मोस्ट आईएमपी। जैसे अगर आपको बच्चों में जोड़ की अवधारणा पढ़ानी है तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये कहते हैं अच्छा बेटा आप क्लास से पहुंचते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग बच्चों, बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, कहते हैं प्लीज सिट डाउन, बच्चे कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जो भी क्लास में होगा। उसके बाद आपको पढ़ाना क्या है, जोड़। आपको क्या पढ़ाना है, जोड़, जोड़ की अवधारणा पढ़ाना है। तो कैसे पढ़ाएंगे, जरा कमेंट करके बताइए कि जोड़ की अवधारणा बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं आप। अब बच्चों के लिए पहुंचिए तुरंत नहीं, ध्यान से देखिएगा यहां पर कि अब बच्चों से कहते हैं एक काम करो बेटा, आप लोग कौन कौन टिफिन लेकर आया है। सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं लेकर आया हूं, सर मैं नहीं लाया हूं, मेरी मम्मी नहीं बनाई थी। फिर कोई कहता सर मैं टिफिन लाया हूं। अच्छा ठीक है, सब लोग टिफिन लेकर आए, बच्चे कहते हाँ सर। अच्छा ठीक है, ये बताओ सबसे ज्यादा रोटी कौन लाया है, कहता सर कैसे पता, तो कहते मोहन तुम कितना लाया हो, कहता सर मेरी मम्मी तीन रोटी दी है, तब तक गोवर्धन पूछ जाता है तुम कितनी रोटी लाए हो, कहता है पांच। फिर पीछे सौरभ पूछा तुम क्या लाए हो, कहता सर मैं तो मैगी लाया हूं, मेरे में ढेर सारे हैं।
मैगी भर के लाया हूँ। बच्चे कहते ओ मैगी है, पीछे उनका भाई राहुल होता है, कहे तुम क्या लाया, कहे सर मैं तो नूडल्स लाया हूँ। तो ऐसे करके बच्चे के अंदर क्या होती है, भावना होती है। और कहते अच्छे बताओ कितने लोग इसमें टिफिन लेकर है, गिनो। और टिफिन वाले गिने जाते हैं कि अरे सर तीन लोग टिफिन नहीं लाए, बाकी टिफिन लाए। अच्छा रोटी सब्जी कितने लोग लाए जरा गिनो। तो रोटी सब्जी वाले पता चला सात लोग रोटी सब्जी लाए हैं। अच्छा कितने लोग सैंडविच लाया, पता चला एक बच्चा कह सर केवल मैं सैंडविच लाया हूं। अब आपने बताया भी नहीं, लेकिन बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले गए और उन्हें जोड़ के अवधारणा आपने पढ़ा दी बच्चों के साथ केवल चर्चा करके। ठीक है, तो ये तीन इसकी शिक्षण सूत्र था, वो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे प्रभावशाली शिक्षण विधि आगमन विधि होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। आप लोगों को समझ में आ रही क्लास? किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और पूछिएगा। इसके गुण क्या क्या हैं? आइए इसके गुण के बारे में बात करते हैं। गुण का मतलब वो नहीं जो खाया जाता है आयरन कमी को पूरा करता है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। क्या है? एक वैज्ञानिक विधि है। स्वयं से कार्य करने के कारण अधिकम अधिक अस्थायी होता है। व्यवहारिक एवं जीवन में लाभप्रद विधि है। इसके द्वारा बालक स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। बालक सदैव जिज्ञासु रहता है अच्छा जानने के लिए। जैसे कहा कि सौरभ ने क्या लाया था, मैगी। इनके भाई राहुल क्या लाए थे, नूडल्स। तो ऐसे क्या होता है, उनके अंदर जिज्ञासा की भावना का विकास होता है। छोटी छोटी जो कक्षा है इसके लिए उपयोगी विधि होती है। इसके द्वारा बालक में गणित के प्रति रुचि भी रहती है। इसके द्वारा जो बच्चे होते हैं उनमें गणित के प्रति रुचि होती है, उनके में अंदर गणित के प्रति रुझान होता है। ठीक है, और धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, गणित सीखने की तरफ आगे बढ़ता है। हाँ हाँ, कमेंट देख पा रहे हैं? अच्छा कमेंट देख रहे हैं, चलिए आप लोग का नाम यूज करना पड़ेगा तब। आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल आएगा तो हम बताएंगे। अब इसके दोष क्या है, आगमन विधि के दोष। जैसे ये धीमी गति है और समय अधिक लगता है। अगर आपको जोड़ पढ़ाना हो और कह दिया जाए कि सबको गिन कर आइए, सबको गिन कर आइए किन बच्चों के दांत टूटे हैं, तो कैसे गिनेंगे आप? असल जैसे दांत चियारेंगे, अपने बच्चा दांत नहीं चियारेगा तब उसमें क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। यह विधि धीमी गति है, माने समय इसमें ज्यादा लगता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। अधिक परिश्रम करना पड़ता है बच्चों को सिखाने के लिए, मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना भाई, इतना आसान तो है नहीं। कुछ मेरे जैसे मंद बुद्धि होंगे, कुछ आधे से प्रतिभाशाली होंगे, सामान्य बुद्धि के होंगे। ठीक है, यहाँ पे अधिक सोचने की आवश्यकता पड़ती है। परिणाम पूर्णता सत्य नहीं होते, मतलब जो जानकारी मिलेगा जरूरी सत्य हो सकता है कि राहुल भी मैगी लाया लेकिन बता रहा नूडल्स, तो जरूरी नहीं कि परिणाम सत्य हो। कई बार गलत इसका मिल गया, कई बार क्या होता है गलत मिलता है। कुछ लोग रोटी सब्जी नहीं लाते फिर भी कहते हैं मैं रोटी सब्जी लाया हूं, तो इस तरह से क्या होता है निष्कर्ष भी प्राय गलत हो जाते हैं। इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार जोर पढ़ाना है, सबकी टिफिन गिनवाइए, पंखा गिनवाइए, बेंचडेस्क गिनवाइए, ऐसा तो नहीं किया जा सकता ना। लेकिन हाँ, इसका जो उपयोग है वो रेखा गणित में, बीज गणित में, आयत का परिमाप, त्रिभुज का अध्ययन आदि में भी यह किया जा सकता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो यह सबसे अधिक सबसे अच्छी शिक्षण विधि मानी जाती है, आगमन शिक्षण विधि। ठीक है, दूसरा अध्यापक इसमें निष्क्रिय रहता है। इसमें सक्रिय कौन होता है, बच्चे। यह लाइन परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट करना हो तो ऑनलाइन अगर प्रैक्टिस सेट पढ़ना हो, ई लर्निंग दुर्गेश के ऐप पर है, ऑफलाइन भी वहां पे अपलोड है, आप जाकर ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं सभी क्लास सभी नोट्स। ठीक है, और क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ भले मिलेगी, अगर आपको पहले प्राप्त करना है तो टेलीग्राम और ई लर्निंग दुर्गेश के ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम और आगे चलते हैं। ये वीडियो फेसबुक पेज यूट्यूब पर निशुल्क लाइव चल रहा है मेरे द्वारा, मैं अपने बचे हुए समय से लेकर आता हूं जो समय मिल जाता है, छुट्टी जो समय रहता है। निगमन शिक्षण विधि, इस विधि के भी जनक अरस्तु है, माने जो यह शिक्षण विधि है इसके भी जनक कौन है, अरस्तु है। यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में पहले परिभाषा सूत्र निर्देश बता दिया जाता है, उसे सिद्ध किया जाता है, इसे नियम उदाहरण की ओर चलते, मतलब यह नियम से उदाहरण की तरफ आगे बढ़ता है। चलिए अब यहां पे एसएसटी के सवाल अभी ना पूछा जाए, अभी केवल गणित शिक्षण सिद्ध सत्य सिद्ध किया जाता है। इसमें नियम उदाहरण की ओर चलते हैं, सामान्य से विशेष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह कहां का होता है, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, सामान्य से विशेष, उसी का ठीक उल्टा होता है। तो इसे रट लीजिएगा, ये निगमन विधि के शिक्षण सूत्र है जो परीक्षा में आपके लिए पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है।
आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इसकी गुण क्या क्या वो भी जान लेते हैं। ये निगमन शिक्षण विधि है, यह विधि गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। इस विधि में छात्र अत्यंत सरल सीखता से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अंकगणित बीजगणित शिक्षण निगमन विधि में सहायक सिद्ध होती है। कम समय में ये ज्यादा कर पाते, समय की बचत होती है। स्मरण शक्ति का इसमें क्या होता है, विकास होता है। एक लाइन में कह सकते हैं इसे परिभाषाएं याद की जाती हैं। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता है ये कैसे निकालेंगे, सर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही हो गया आपका निगमन विधि। ये क्या होगा, यही हो गया निगमन विधि। कौन शिक्षण विधि होगा, यही निगमन शिक्षण विधि होगी। ठीक है, आगमन और निगमन दोनों के अरस्तु हैं, ये बात आप लोग को जानते रहिएगा। सवाल यहां से परीक्षा में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दोष, यह मनोवैज्ञानिक, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि, क्योंकि इसमें छात्र नियम सूत्रों को खोज स्वयं नहीं करते। अब इसे सूत्र हमें बताना पड़ेगा, अध्यापक को बताना पड़ेगा, इसलिए यह मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है। इसमें बच्चा क्या करेगा, सूत्र याद करना पड़ेगा, नियम याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तभी तो कर पाएगा। इसलिए यह इसका दोष है, इन्हें याद भी करते हैं। इसमें मिलने वाला ज्ञान अस्थायी भाव स्पष्ट, मतलब इसे जो मिल जाता है इसका स्थायी भाव स्पष्ट नहीं होता, इसलिए इस बात को आप लोग को भी अच्छे से याद रखना है। अब हम और आगे चलते हैं। ठीक, सब लोग इसको स्क्रीनशॉट के तौर पर रख लें। आते हैं, बात करते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्र उपकरण अन्य सामग्री की मदद से गणित तथ्य नियम सिद्धांत सत्यता की जांच करते हैं। इस विधि में कर के सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। अब प्रश्न आता है, कर के सीखने पर बल किस शिक्षण विधि में दिया जाता है, तो प्रयोगशाला विधि में। किसमें, लेबोरेटरी मेथड में, लेबोरेटरी मेथड में ही, माने प्रयोगशाला विधि में। जैसे पाइथागोरस प्रमेय की प्रयोगशाला सिद्ध करता है, जैसे अगर यहाँ पे है ये आपका तीन है, ये चार है, तो ये क्या होगा, किसी भी समकोण के बने त्रिभुज पर बने अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कर्ण का जो वर्ग होता है वो यही होता है। ठीक है, वो पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पाइथागोरस प्रमेय। अब हम और आगे चलते हैं। गुण इसमें क्या है, छात्र प्रयोगशाला के उपकरण का कुशल प्रयोग करना सीख जाते हैं। प्रयोगशाला में किया गया अधिगम अस्थाई होता है, ये रुचिकर होता है, और इसमें तर्क शक्ति का बच्चों में क्या होता है, एक विकास होता है। ठीक, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा, सभी लोग इतने इस वीडियो को देख रहे हैं। इसका दोष क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। यह खर्चीली है, मतलब अगर पाइथागोरस बनाना है तो बच्चों के यहां बना के तब उनको सिखाइए, और ये कम संख्या वाली कक्षाओं में उपयोग में लाई जा सकती है। ज्यादा संख्या होगा उतने पाइथागोरस प्रमेय के, उतने त्रिभुज कहां से बनाएंगे आप। और बच्चे उपकरण सीखने की जगह खेलना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी को कह दिया जाए कि बेटा तुम्हें इससे सीखना है, तो क्या करेगा वो, पानी के बाद उसको खेलना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं इस विधि के दोष है। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। अगला है अनुसंधान विधि, हेरिस्टिक मेथड। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे सी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, केवीएस हो। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए लाइव चल रहा है। ह्यूरिस्टिक, इसे ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं, इसे ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक शब्द से ये पता चल जाता है कि स्वयं खोज करके ये अपने आप सीखने की विधि है। इसका प्रयोग विज्ञान के लिए किया जाता है। इस विधि में शिक्षक किसी जो विषय वस्तु के बारे में सीधे नहीं बताता, बल्कि प्रश्न द्वारा छात्रों से स्वयं खोजने के लिए कहता है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है, सुनता रहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो खोज करता होता है, आविष्कारक बन जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस पूरे नोट्स में कितने ऐसे टॉपिक हैं जहां से परीक्षा में सीधे प्रश्न आते हैं, तो आप खोजेंगे, आप कहेंगे सर पूरा नोट्स में से आपने प्रीवियस ईयर पेपर में 15 में से 14 प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपने क्या किया, अनुसंधान विधि खोज किया। मैंने केवल कह दिया केवल एक नोट्स जो गणित शिक्षण का नोट्स है, जो एनसीईआरटी पर आपको है, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर, उससे कितने प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा में आए हैं। आपने जब खोजना शुरू किया
देखा आपने तो कहो अरे बाप रे बाप, हर साल 15 की 15 प्रश्न यहां से आए हैं, इसका मतलब गणित में 15 नंबर तो फोकट के मिल जाएंगे बस कुछ पन्ने के नोट्स को पढ़कर। तो यह कैसे जाना, ये अनुसंधान विधि हो गई। आपने खोज किया, आपने आविष्कार किया, आपने टिक किया, मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं रही, सारी भूमिका इसमें क्या रही, आपकी रही। ठीक है, जैसे नोट्स आप तक कैसे पहुंचा, मैं तो पढ़ा रहा हूं, सौरभ जी ने आपको पहुंचाया, स्क्रीनशॉट कोई और देगा, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो ये इसी तरह ये अनुसंधान शिक्षण विधि है। इसकी गुण क्या क्या है, इस विधि द्वारा छात्र में तर्क करना, कल्पना करने, चिंतन, निरीक्षण, तुलना आदि का विकास होता है। गणित शिक्षण में यह विधि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। अगर गणित शिक्षण की बात करें तो यह विधि अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। इस विधि में छात्रों को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है। यह विधि छात्रों को स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है, स्वाध्याय की आदत का निर्माण करती है, मतलब स्वयं सीखने की आदत का जो निर्माण यह विधि करती है। इसमें छात्र स्वयं अन्वेषक बन जाता है, खोज करता है, कहता है अरे इलेवन में दुर्गेश इतने प्रश्न आपके परीक्षा में आए, इतने नंबर क्या है। तो ये क्या होता है, छात्र इसमें स्वयं अन्वेषक बन जाता है। ठीक है, हम और आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि दोष में यह असाधारण बालकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि साधारण बुद्धि वाले बालक स्वयं खोज नहीं कर पाते। माने ये असाधारण बुद्धि वाले हो, माने प्रतिभाशाली हो, सौरभ जैसा व्यक्ति हो, मतलब वो चीजों को समझ सके, चीजों को जान सके। तो हम जैसे मंद बुद्धि हैं, बनाना हो पोस्टर समझे नहीं आएगा, कब इधर लगाना है, किधर लोगो लगाना है, किधर फोटो लगाना है, क्या लगाना है। तो ये नहीं, मतलब ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है, ये सामान्य बुद्धि वाला खोज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए असाधारण बुद्धि वाला न्यूटन, आइंस्टीन जैसे आप लोग जैसा होना चाहिए। यह विधि छोटी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, माने छोटी कक्षा में इसका उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, इस विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष या सिद्धांतों तक पहुंचा सकती है, क्योंकि इनका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता, वो अपनी गलती समझ ही नहीं पाते। अब उनका मस्तिष्क इतना भी नहीं होता वो अपनी गलती समझ पाए, और कहते हैं यार नहीं नोट्स पढ़े क्या, माने उनको लगता है अरे यार 4 दिन मेरी परीक्षा है, 2 दिन बाद मेरी परीक्षा है, मैं कैसे नोट्स पढ़ लूं। अरे नहीं, आप समझिए, चीजों को जानिए कि कितना बेहतर तैयारी आपकी हो सकती है। अब आते हैं, एक शिक्षण विधि है समस्या समाधान विधि। इसमें क्या होती है, इसके जनक जॉन डीवी हैं। समस्या समाधान जो शिक्षण विधि है, इसके जनक जॉन डीवी हैं। कौन है, जॉन डीवी। इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखता है, छात्र को समस्या को हल करने के लिए अपने विचार व सुझाव रखने के लिए बोलता है। छात्र अपने तर्क निर्णय से इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। समस्या बालक के जीवन से संबंधित होना चाहिए। इस विधि में समस्या सरल होती है, यह विधि सीखने के सिद्धांत पर बल देती है। माने समस्या समाधान विधि के जनक जॉन डीवी है, एक नंबर आपकी परीक्षा में तैयार होगा। ठीक है, दूसरी बात, इस विधि के शिक्षण जो होते शिक्षक छात्रों के सामने समस्या रखते हैं। अच्छा, आपकी परीक्षा पहले दिन पर है तो आपने कैसे तैयारी की है, तो आप अपनी बातें रखते हैं, तो छात्रों समस्या को हल करने के लिए अपने विचार सुझाव रखने के लिए बोलता है। जैसे मैंने कह दिया कि आपकी परीक्षा अगर पहले ही दिन है तो आपने क्या क्या तैयार किया, क्या आपने पूरे नोट्स को पढ़ लिया है, क्या उसमें से क्या क्या टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, क्या क्या चीजें आपने नहीं क्लियर किया है, कहां से आपकी वीक जोन है, क्या आपका स्ट्रांग जोन है, कहां से नंबर ज्यादा आने के चांस हैं। तो ये चीजें उनके सामने रखते हैं, तो फिर निर्णय लेता है, सोचता है, कहता है हाँ सर नोट्स तो मैंने पूरा पढ़ लिया है, 2 बार मैंने पढ़ लिया है, जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर हल किया तो हमारे 120 से ज्यादा सवाल हल हो रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये विधि समस्या समाधान है। इसके गुण क्या क्या है, यह विधि वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। ये जो शिक्षण विधि है, छात्र में स्वावलंबन होकर विकास करते हैं, छात्र में तर्क शक्ति का विकास होता है। किसका, तर्क शक्ति का विकास होता है। इस विधि में छात्र स्वयं क्रियाशील होते हैं, स्वयं देखेंगे अरे मेरा पेपर तो पहले दिन है, मेरा दूसरे दिन है, मेरा 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 दूसरे पाली में फेज 2 में है। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चों में स्वयं क्रियाशील होते हैं, और अब उनको अपने पढ़ने की जो गति है कितनी रखनी है वो आसानी से जान पाते हैं। छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। छात्रों में समस्या समाधान की जो योग्यता होता है, इसका क्या होता है, विकास होता है। अब आपके मन में आएगा, अच्छा
आप लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, किसका पहले है, किसका बाद में है, प्रश्न कैसे आ रहे हैं, अच्छा जो प्रश्न बीतते जाएंगे कैसे पता चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके, ठीक है। वहां पे आप लोगों को जो भी प्रश्न आते जाएंगे हम आपको उपलब्ध कराते जाएंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो भी बच्चे परीक्षा देकर आएंगे उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। तो ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर भी मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जुड़े रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ आगे आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते हैं। खेल विधि, खेल विधि, इस विधि में छात्र शिक्षक के संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से ही देता है। इस विधि को फ्रॉबेल ने दिया था। खेल विधि कौन लाया था? तो ये फ्रॉबेल ने दिया था। इसका नाम हेनरी कॉल्डवेल कुक ने रखा। फ्रॉबेल ने दिया, हेनरी कॉल्डवेल कुक ने इसका नामकरण किया। इस विधि में शिक्षा को पूर्ण ज्ञान खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया, माने खेल केंद्रित बनाने का पूरा प्रयास किया गया, ठीक है। आप लोग एक बार वीडियो को फिर से शेयर कर दीजिएगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पे शेयर मार दो, जो आपके पास ग्रुप है वहां पे शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, सभी जगह शेयर कर दो। नोट्स जो अभी तक नहीं प्राप्त किए हैं वो आज ही प्राप्त कर ले, टेलीग्राम से और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, नोट्स में जाइए, सीटेट में जाइए, प्राप्त कर लीजिए। छात्रों के खेल में स्वाभाविक रुचि होती है, बच्चों का मन लगा रहता है, किसके, ये खेल विधि के गुण है। इस विधि में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर बल देता है, माने करके सीखने पर यह विधि क्या करता है, बल देता है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ बच्चों के शारीरिक शिथिलता के कारण इस विधि में कठिनाई, जैसे कुछ लोग होते हैं शारीरिक कोई दिक्कत होती है, उनको इस विधि में हल करने में काफी दिक्कतें आती हैं। गणित का अर्थ एवं परिभाषा, रोजन के अनुसार गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी, एक नंबर परीक्षा में पूछा जाता है। नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, ठीक है। वेन के अनुसार गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक नंबर यहां से परीक्षा में फिक्स आएगा और जैसे ही सवाल आएगा आपके नंबर तैयार। आइंस्टाइन के अनुसार अगर बात करें, गणित मानव चिंतन का प्रतिफल है, अनुभव से स्वतंत्रता तथा सत्य के अनुरूप है। गणित के प्रकार, गणित के तीन प्रकार होते हैं, अंग गणित, इसमें अंकों का प्रयोग होता है, बीज गणित, इसमें अंक अक्षरों का प्रयोग होता है, रेखा गणित, इसमें अंकों और रेखाओं का प्रयोग होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी यूनिक है, जहां से आपके परीक्षा में सीधे सवाल पूछा जाता है। आप लोग इसे पढ़ लीजिए, आप लोग इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। हम आगे देखते हैं, दोष क्या है। यदि समस्या कठिन हो तो छात्र विषय के प्रति रुझान कम हो जाता है। यदि समस्या की भाषा सरल ना हो तो छात्र में रुचि की कमी होने लगती है और समय क्या होता है, अधिक लगता है, ठीक है। अब आते हैं प्रयोजन विधि। ऐसी शिक्षण विधियां जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। इस विधि के जनक किलपैट्रिक है। इस विधि में संपूर्ण का योजना बनाकर किया जाता है। इसमें किसी भी समस्या समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्क शक्ति द्वारा कार्य करता है तथा हल हो जाता है। गुण की बात करें, छात्र में क्रियात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। छात्र में निरीक्षण, तर्क तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे रख सकते हैं। इसके प्रयोग में सभी पाठों को नहीं पढ़ा जा सकता, मैंने प्रयोजन विधि से अगर आप चाहें कि सभी पाठ को पढ़ा दे तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तब तक हम पानी पी लेते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, व्याख्यान विधि। यह शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि की एक शिक्षक किसी भी विषय समस्या विषय में व्याख्यान देता है। व्याख्यान तर्कपूर्ण, व्यवस्थित तथा आकर्षित होना चाहिए। छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित हो। इस विधि में प्रश्न उत्तर उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। यह कौन सी है? यह व्याख्यान की शिक्षण विधि है, ठीक है। ये व्याख्यान विधि में क्या है, किसी विषय को पढ़ाने के लिए सबसे सरल विधि है। छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है। ये काफी यूनिक और काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। यह विधि, छात्र इसमें निष्क्रिय रहता है। यह विधि करके सीखने पर बल देता है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख ले, यहां से भी सवाल
आपके परीक्षा में जरूर से पूछे जाते हैं। हम लोग बात करते हैं गणित की उपयोगिता। क्या बात करते हैं? गणित की उपयोगिता। गणित की उपयोगिता कहां कहां होती है, आइए इस पर भी हम लोग बल देते हैं। मानसिक शक्ति का विकास करने में सहायक, मानसिक शक्ति का विकास करने में सहायक होते हैं। व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है। गणित की उपयोगिता क्या होती है? मानसिक शक्ति का विकास करने में सहायक होते हैं, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होते हैं, तार्किक शक्तियों, जो तार्किक शक्तियों का विकास करने में सहायक होते हैं, आत्मविश्वास या विकास करने में सहायक होते हैं, अनुशासनात्मक गुणों का विकास करने में सहायक होते हैं, तथ्यों के ज्ञान में सहायक होते हैं। तो गणित की उपयोगिता जो है आपके इन छह बातों पर निर्भर करती है, जहां से आपके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाता है। ठीक, सबको समझ में आ रहा है? जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, यहां से आपके परीक्षा में पूरे प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। एनसीईआरटी के जो निचोड़ है वो पूरी तरह से है, जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए है। ठीक, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है गणित शिक्षण, इससे बाहर परीक्षा में सवाल नहीं आएंगे। प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है, देश में महान गणितज्ञ श्री रामानुजन को समर्पित है। अभिसारी चिंतन क्या होता है? परीक्षा में सवाल आता है कि अभिसारी चिंतन क्या होगा, तो जितने लोग वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि जो अभिसारी चिंतन होता है ये क्या होता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, कि जो अभिसारी चिंतन होता है ये होता क्या है आखिर, बताइए सभी फटाफट कमेंट करें कि अभिसारी चिंतन क्या होता है। सभी साथी, यह बंद अंत वाले प्रश्न जैसे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, हाँ या नहीं, सत्य असत्य। माने अगर हम बात करें अभिसारी चिंतन में बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, अगर बंद अंत वाले प्रश्न की बात करें तो यहां पे इसका जवाब जैसे पूछ लिया जाए कि 6+4 बराबर क्या होगा, इसका उत्तर एक ही आएगा, 10। इसे कहते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। जैसे अगर हम पूछ ले कि ताजमहल कहां पे है, इसका एक ही उत्तर है आगरा, तो ये बंद अंत वाले प्रश्न हो गए। लेकिन अगर हम ये पूछ ले कि बहुत ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, इसका जवाब सभी दे लेंगे, क्लास के बैठे सभी बच्चे, तो ये होगा अपसारी चिंतन। अगर कहा जाए किन दो संख्याओं का योगफल 10 होगा, किन दो संख्याओं का योगफल 10 होगा, कोई बताएगा 7+3 बताएगा, कोई बताएगा 6+4 बताएगा, कोई 4+6 बताएगा, कोई 3+7 बताएगा, कोई 9+1 बताएगा, कोई 8+2 बताएगा, ठीक है, कोई 10+0 बताएगा। मतलब अगर हम पूछें कि दो संख्याओं का योग 10 होगा तो ये खुले अंत वाले प्रश्न होंगे। ये कैसे प्रश्न होंगे? खुले अंत वाले प्रश्न होंगे। प्रत्येक बच्चा अपने स्वविवेक के आधार पर इस तरह के सवालों का जवाब दे सकता है। अगर ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा बारिश होगा तो क्या होगा, अगर पेड़ भी चलते होते तो क्या होते, सारे बच्चे इसका जवाब दे लेंगे, उसे हम अपसारी चिंतन कहा जाता है। ये खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, याद रखिएगा ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब की बार हर हाल में सीटेट पर। और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए बार बार हम आपसे कहेंगे ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे जाइएगा, सभी प्रैक्टिस सेट वहां पर उपलब्ध है। ठीक है सर, सौरभ सर देखिए आप लोग के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। निदानात्मक परीक्षण, समस्या का पता लगाना। निदानात्मक परीक्षण का मतलब ये होता है कि समस्या को जानना, चाहे गणित शिक्षण हो, पर्यावरण शिक्षण हो, हिंदी शिक्षण हो, सीडीपी शिक्षण हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत में, जहां पर ही निदानात्मक परीक्षण आ जाए, मैंने समस्या का पता लगाना, जैसे आपके नोट्स को और कितना बेहतर उपलब्ध कराया जा सकता है, ये समस्या जानकर सौरभ अपडेट कर रहे हैं, ताकि दो दिनों में भी आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सके, अगर एक सप्ताह और अच्छी तरीके से कर सके। इसके लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन पे लगातार नोट्स आपको अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। उपचारात्मक मतलब क्या है? समस्या को दूर करना। अब आपकी समस्या का पहले पता लगाया जा रहा है, फिर समस्याओं को दूर भी किया जा रहा है, तो ये उपचारात्मक परीक्षण हो गया, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हम और आगे चलते हैं, ठीक है, चलते आगे। अगर यहां वस्तु बहुविकल्पी प्रश्न हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, हां या नहीं वाले हो, लघु उत्तरी हो, ये सब बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, ये जानते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा सब लोग। गणित में उपचारात्मक कार्य के लिए, गणित में उपचारात्मक कार्य के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आइए ध्यान से देखते हैं। अबेकस या गिनतारा का प्रयोग गणित में उपचारात्मक कार्य के लिए, उपचारात्मक मैंने बताया ना, उपचारात्मक का मतलब क्या होता है, समस्या को दूर करना, तो अबेकस या गिनतारा का प्रयोग करिए। किसका? अबेकस या गिनतारा का। गणनाओं में स्थानीय मान को ज्ञान, जैसे प्रश्न आता है अबेकस या गिनतारा का प्रयोग कहां किया जा सकता है, इसका प्रयोग गणनाओं में स्थानीय मान के लिए, संरचनाओं को पढ़ाने में इसका प्रयोग हम गिनतारा और अबेकस का करते हैं, ये रट लीजिएगा। यहां से सवाल आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और आप लोग इसका जवाब भी सीधे सीधे दीजिएगा। जियो बोर्ड का प्रयोग, ये 3D आकृति घन, घनाभ, बेलन, 2D आकृति में क्षेत्रफल परिधि ज्ञात करने में होता है जियो बोर्ड का प्रयोग। ये सब प्रश्न परीक्षा में आते हैं, सीटेट में जरूर से आते हैं। जियो बॉक्स का प्रयोग, जियो बोर्ड, जियो बॉक्स, अब वो जियो वाला मत कहिएगा, जियो का सिम, हाँ ऐसा वाला सिम नहीं, जियो बॉक्स, ये ज्यामिति से जुड़े जो उपकरण होते हैं इसमें रखे जाते हैं। बचपन में जिसे क्या कहते थे आप लोग, 100 रुपया इसमें चांदा वादा रखते थे, क्या कहते थे आप लोग, हाँ ड्राइंग बॉक्स कहते थे जिसे ना, और क्या कहते थे, ज्योमेट्री बॉक्स, वही ज्योमेट्री बॉक्स जो है उसे जियो बॉक्स कहा जाता है, क्या कहता है, ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। वो ज्यामिति से जुड़े उपकरण रखे जाते हैं, त्रिभुज रखा जाता है, गोला प्रकार रखा जाता है, चांदा इसमें रखा जाता है, ये कहां जियो बॉक्स का प्रयोग करते हैं। बचपन में 8 रुपए 10 रुपए का आता था, पता नहीं अब कितने का आता है, और आपके समय कितने का आता था, कितने का आता था टाइम बॉक्स, फ्रीडम वाला ना, चलिए आपके समय कितने का आता था कमेंट करके बताइएगा। संख्या चार्ट क्या होती है, दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हैं, इन्हें ग्रिड पद्धति कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संख्या चार्ट दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हैं, इन्हें ग्रिड पद्धति भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति कहते हैं, दशमलव संबंधित त्रुटियों को दूर करती है, क्या होता है कि जो दशमलव संबंधित जो त्रुटियां होती हैं इन्हें, ठीक है, इन्हें दूर किया जाता है। अभी पिछले साल भी प्रश्न पूछा था, पिछले जो बीता हुआ साल है, जो परीक्षा हुआ था आपका, उसमें भी पूछा गया था और इस बार भी परीक्षा में जरूर आएगा, इसलिए रट लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि अब की बार हर हाल में सीटेट पास, ताकि अगली बार सरकारी नौकरी आपके हाथ, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जहां परीक्षा पूछा जाता है, 10 ग्राफ ज्यामिति के 2D आकृति त्रिभुज वर्ग समानांतर चतुर्भुज, ये 10 ग्राफ होता है, 10 ग्राफ में इनका अध्ययन किया जाता है। देखिए सब लोग अपना रेट बता रहे, कोई 10 रुपए के लिया, कोई 12 के लिया है, 10 रुपए का सैनिक वाला ज्योमेट्री बॉक्स, हाँ फ्रीडम होता था, बंदूक लगाए रहते थे ना। बिंदु सीट या डॉट पेपर, बिंदु सीट या डॉट पेपर, इसमें ज्यामिति संकल्पनाओं के वृद्धि के लिए, यह भी आप लोग याद रखिएगा, वृत्तीय किट विभिन्न की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, जैसे 2 से 1/2 है, तो वृत्तीय किट ये भिन्न के अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, बिंदु सीट या डार्ट पेपर ज्यामिति संकल्पनाओं के वृद्धि के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ग्राफ पेपर, ये 2 विभिन्न आकृतियों की तुलना करने में मोस्ट IMP, ये सारे प्रश्न आपके पूछा जाता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सीटेट को अच्छे से देना चाहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा अब 40 रुपए का हो गया क्या। गणित की लंबी आकृति, याद रखिएगा गणित में शब्द आती है लंबी आकृति, NCERT 2005 के अनुसार बच्चों में गणित की लंबी आकृतियों को पढ़ाया जाना चाहिए, पिछली आकृति संख्याओं को जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा सभी लोग, क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर आप सभी डाउनलोड करके रखिएगा। दुर्गेश सर इलनी बिद्रगेश, वैसे हम प्रयास करेंगे कि फेसबुक पेज पर भी इसकी PDF उपलब्ध करा दे इलनी बिद्रगेश पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है आपके सामने गणित की आवश्यकता, भैया गणित की आवश्यकता क्या है और गणित की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जितने साथ इस वीडियो को देख रहे हैं जरा बताइए, आज के युग में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए गणित की कलाओं को राजा और विज्ञान की रानी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आज के समय में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए अगर मैंने आपसे पूछा कि वो समय का ज्योमेट्री बॉक्स कितने का आता था, आज कितने का आ रहा है, तुरंत आप लोगों ने संख्याओं में बताना शुरू कर दिया, कोई चुंबक लगा के कह रहे लाते थे, कोई अलग अलग चीजें बता
है, माने आज के युग में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए गणित को कलाओं का राजा और विज्ञान की रानी कहा जाता है। बच्चों को गणित सिखाते समय मौखिक प्रश्नों को से शुरुआत बच्चों को गणित सिखाते समय मौखिक प्रश्नों से शुरुआत करें। जैसे बच्चों को जब भी गणित सिखाना हो तो पहले मौखिक प्रश्नों से शुरुआत, जैसे इस क्लास को पूरा पढ़ना है सबसे पहले वीडियो को लाइक बटन दबाइए, फिर वीडियो को शेयर करिए, फिर पढ़ना शुरू करिए। जैसे इसमें क्या था, पहले सुने फिर पढ़े बोले लिखे समस्या हल करें। पहले वीडियो को ओपन करें, लाइक का बटन दबाए, शेयर का बटन दबाए, फिर पढ़ना शुरू करें, जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे उसे लिखते चले, बाद में रिवीजन की आवश्यकता हो जरूरत पड़ने पे वीडियो के स्क्रीनशॉट लेते चले, ताकि आपकी सभी समस्याओं का हल हो सके। या ई लर्निंग पे दुर्गे से यूट्यूब देखने की आवश्यकता इसलिए है। तो ये याद रखिएगा, सुने पढ़े बोले लिखे समस्या का हल करें, ये बच्चों में गणित सिखाने का जो क्रम है वो आपको यहाँ पर मिल गया। गणित में बातचीत को के दो पद है, बूझो एवं पहले। बूझो माने अच्छा बताओ ये क्या होगा, पहली के माध्यम से। तो गणित में बातचीत के दो पद हैं, ये भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, माने हूबहू लाइन आपके परीक्षा में मिल जाएगी। कब, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे तब। अब हम और आगे चलते हैं, एनसीएफ के अनुसार गणित में क्या क्या चीजें होती हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। गणित को रोजमर्रा में उपयोग की भाषा, जैसे मैंने जब भी पढ़ाया तो आपकी रोजमर्रा की भाषा से जोड़कर पढ़ाया, इसलिए कुछ लोग लाइव आकर भाग गए क्योंकि उनका नाम नहीं लिया, किसी को बता दिया दांत में दिक्कत है, किसी को कहां दिक्कत है, कोई कौन मोटा है कौन पतला है, तो लोग क्या करते हैं भाग जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने और आपने क्या क्या चीजें सीखा कि गणित की भाषा रोजमर्रा की उपयोग की भाषा से हो, बच्चों में आकलन के सभी तरीकों का प्रोत्साहन देना चाहिए, गृहकार बौद्धिक मानसिक स्तर पर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि खूब ढेर होमवर्क दे दिया, ऐसा ना हो। ठीक है, जब बच्चा अंक को उल्टा पढ़ता है, जैसे उसे कौन सी बीमारी होती है, डिस्लेक्सिया होती है, या भी सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है, जो पूछा जाता है उसकी तैयारी करवाना हमारी जिम्मेदारी है, तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। जब बच्चा गणित में संख्या संबंधित समस्याओं को हल नहीं कर पाता उसे डिस कैलकुलिया कहा जाता है। तो जब वो कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, समस्या में दिक्कत आती है गणित में संख्या संबंधित, तब उसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है, और अंक उल्टा पड़ता है डिसलेक्सिया कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, यह मोस्ट आईएमपी है, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे केबीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, वहां पर सभी के लिए ये सवाल पूछे जाते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि समझ में आ रहा है। देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास है, नोट संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए लाइव चल रही है, मेरे द्वारा सभी क्लास निःशुल्क होंगी। आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, कह रहा है कि टेनर टोल, देखिए जो गणित में दृष्टवादी बच्चों के लिए प्रयोग किया, जो दृष्टवादी होते हैं उनके लिए क्या क्या चीजें प्रयोग की जाती हैं, जहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, आइए इनको भी पढ़ लेते हैं। इतने लोग खाली समझ में आ रहा है, बस बहुसंवेदी सामग्री, बहुसंवेदी उपकरण, श्रवणीय उपकरण जो सुन सके, बोलने वाली घड़ी। तो जो दृष्टिवादी बच्चों है वहां पर उनके टूल में अगर हम बात करें तो उनके लिए जो प्रयोग की जाती है पांच चीजें, ट्रेनर टूल, बहुसंवेदी सामग्री, बहुसंवेदी उपकरण, श्रवणीय उपकरण, बोलने वाली घड़ी, इन पांच चीजों का प्रयोग किया जाता है जो काफी महत्वपूर्ण है, काफी यूनिक है। जी हाँ, डिस्लेक्सिया पठनी विकार, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाशुक स्मृति क्या होती है। जब बच्चा घड़ी की सुइयों में दो अलग अलग बातों में और सिक्कों में अंतर करने में कठिनाई महसूस करता है तब उसे हम चाक्षुष विधि कहते हैं। यह भी मोस्ट आईएमपी है, यहां से भी परीक्षा में आपके सवाल पूछे जाते हैं। माने अगर आज की गणित की सीरीज आपने पूरी पढ़ ली तो आपने आधी लड़ाई पूरी कर ली है। आगे चलते हैं वैन हिले, यहां से वैन हिले से सवाल आपकी परीक्षा में आता है, आइए इसको शॉर्टकट में ही पढ़ेंगे कि बाकी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। वैन हिले ने ज्यामिति पर अपने विचार दिए, इन्होंने से पांच पाद व चार स्तर में बांटा, पांच पद और चार स्तर पर डिवाइड किया। तो इसके देखिए अगर हम लेवल की बात करें तो यहां पर क्या ये स्तर हो गए चार, और अगर हम पद की बात करें तो कितने हो गए पांच,
चित्रण या मानसिक चित्रण माने देखने से हो गया, फिर विश्लेषण करना ये लेवल जीरो हो गया, लेवल एक, लेवल दो, लेवल तीन, लेवल चार, मतलब यहां पे देखा जाए तो ये लेवल भी पांच हो गया जीरो से लेकर। विश्लेषण करना, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, दृढ़ता, ये परीक्षा में पूछा जाता है क्रम से करने के लिए, इसलिए इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। परीक्षा में आता है कि वैन हिले के यह बच्चा जैसे दृश्य देखने वाला कोई चीज है तो इस समय लेवल जीरो पर है, लेवल फर्स्ट पर विश्लेषण करता है तो लेवल टू अमूर्त, फिर कठोरता, तो यहाँ पर उसके जो लेवल है वो दिए गए हैं, को चश्मुषीकरण होता है, मानसिक चित्र जो दिमाग में चित्र बनता है, फिर बच्चा विश्लेषण करता है, फिर औपचारिक निगमन, अनौपचारिक, फिर औपचारिक निगमन, फिर दृढ़ता, ये सभी वैन हिले के है और वैन हिले आपके सिलेबस में है, यहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। ठीक है, सभी लोग जरा कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ तक आ गया, अब हम आगे बढ़े। बताइए, पूरा गला सूख जाता है जी। ठीक, सबको समझ में आ गया जितने इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग? कुछ लोग कमेंट नहीं करते, चोरी चोरी वीडियो देखते हैं क्या? ऐसा ना करिए, जवाब देते रहेंगे तो मुझे समझ में आएगा ना। क्यों, देखिए आपने देखा है कि कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए सवाल पूछना जरूरी है। आपके बीच, हमारे बीच जो ऐसा एक जो बातचीत का दायरा है दोनों तरफ से होना चाहिए, तब हम और अच्छा शिक्षण कर पाएंगे। ठीक है, शिक्षण की सबसे प्रमुख खासियत यही होती है। एक साइडेड होगा तो मजा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे, जब बच्चा तीन भुजाओं को त्रिभुज और चार भुजाओं के चतुर्भुज को देखकर, तीन भुजाओं को देखे और त्रिभुज और चार भुजाओं को देखे चतुर्भुज करने कहने लगे, इसका अर्थ है कि बच्चा जीरो लेवल पर है, माने वो देख कर अंतर कर पा रहा है, तीन भुजा त्रिभुज, चार भुजा चतुर्भुज। ठीक है, यदि बच्चा त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने लगे, इसका मतलब है बच्चा लेवल फर्स्ट पर पहुंच चुका है। वान हिले के अनुसार लेवल याद है वानिले का, जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। यदि बच्चा भाषाई पर वर्गीकृत करने लगे, मतलब भाषा के आधार पर वर्गीकृत करने लगे, तब मैंने लेवल टू पर पहुंच चुका है। यदि बच्चे चीजों को सिद्ध कर दे लेवल थ्री पर है, यदि कॉलेज स्तर पर बच्चा पहुंच जाए तो लेवल चार पर है। यही था वानिले के पांच पद जो मैंने आपको बताया, चश्मुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, दृढ़ता। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपके साथ मिलकर। परीक्षाओं में आगे महत्वपूर्ण अगर प्रश्न की हम बात करें, जो आपके सीटेट परीक्षाओं पूछे गए हैं, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन की संकल्पना समझने के लिए ग्राह पेपर शिक्षण अधिक साच उचित है। गणित में सवाल हल करने के लिए निम्न कौशल है, विवेचन, चर का प्रयोग, प्रतिरूप देखना। गणितीय प्रक्रम निम्न है, आकलन करना, पक्षांतर करना, रचना करना, एक गणितीय प्रक्रम का ये नियम है। ठीक, आगे देखते हैं समावेशी, जो समावेशी विद्यालय होते हैं, समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें, आप सभी कक्षा में दृष्टिवादी छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली के साधनों का प्रयोग करेंगे। प्रारंभिक संरचना की संकल्पना से संरक्षण, वर्गीकरण, वर्ग समावेशन संबंधित है। 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन अनुभव से संबंधित होना चाहिए। हमने बताया कि दैनिक क्रियाकलाप से होना चाहिए, बच्चों के जो आसपास का समाज होता है उससे जुड़ा होना चाहिए। गणितीय अध्ययन को प्रभावशाली बनाने में क्या क्या विशेषता होना चाहिए, छात्रों के गतियों पर प्रतिरूपों को केंद्रित करना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना, मतलब कुछ भी सिखाना है तो हमें क्या करना चाहिए, कई शिक्षण विधियों का आपके लिए प्रयोग करना चाहिए। वैसे मैं प्रायः प्रयोग करता हूं, लेकिन आपको भी इसके साथ साथ प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। बच्चे के प्रतिदिन के अनुभव को साझा करना चाहिए, सम्मिलित भी करना चाहिए, उनके बात
का सम्मान करना चाहिए, अगर बच्चा कोई एग्जाम्पल देता है, कोई बताता है, छात्रों के गतियों के प्रतिरूप केंद्रित करना चाहिए। गणितीय अध्ययन को प्रभावी बनाने की विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताया, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप गणित में बच्चों के एक विशेष समूह के साधनों के लिए अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक करेंगे ताकि एक दूसरे सीख सके। समूह शिक्षा का मतलब यह होता है कि आप बच्चों को गणित में विषय के समूह को साधनों के लिए अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ, मतलब जैसे मंद बुद्धि बालक मेरी तरह है, आपकी तरह है, सभी को एक साथ बैठाइए। जैसे मुझे नहीं रहा, मैं आपसे सीखूंगा, उससे सीखूंगा, बगल वाले से देख कर सीखूंगा, सभी को एक साथ बैठाया जाए, तो यहाँ पर ये चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। बच्चों के बीच गिनती कौशल विकसित करने के लिए संख्याओं की क्रमबद्धता, समूह बनाना एवं समानता आवश्यक है। ये भी चीजें काफी महत्वपूर्ण है, बच्चों के बीच गिनती कौशल को विकसित करने के लिए संख्याओं की क्रमबद्धता, जैसे आरोही अवरोही में सजाओ, ठीक है, छोटे बड़े में सजाओ, क्रमबद्धता, समूह बनाना, समानता आवश्यक है। इसकी भी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आगे हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए आपकी संख्या कम हो रही है, तो काम करते हैं यहां से जो सीरीज है इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगली क्लास की जो लिंक है आपको टेलीग्राम पे दे देंगे कि आपकी संख्या कम हो रही है, आप लोगों ने शेयर करें वीडियो को। अगर आप लोग कहें तो भाई आगे पढ़ाएं, तब चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। गणित की भाषा का विकास, प्राथमिक स्तर में बस इतना ध्यान देना है कि जो बच्चे हैं उनमें गणित की भाषा का विकास हो, उनके अंदर तर्क करने के कौशल का विकास हो, गणितीय अवधारणाओं को समझना, मतलब बच्चे के अंदर गणितीय जो अवधारणाओं, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, विकास करने पर बल देना चाहिए। माने हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा भी गणित सीख रहा है, तर्क कौशल का विकास है, गणितीय अवधारणाओं को समझ रहा है। ये नहीं है याद किया कि नहीं, रट लिया कि नहीं, वो उसे याद हुआ, कंठस्थ किया, उसकी परीक्षा लो, जांच करो, ऐसा नहीं, ठीक है। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं में इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता। माने याद रखिएगा कि जो रोमन नंबर है वह स्थानीय मान का जो नियोजन नहीं कर पाता, अतः इन अंकन का उपयोग करना से गणना करना मुश्किल है। रोमन अंक का प्रयोग करके गणना करना काफी मुश्किल होता है इसी कारण, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक। वास्तविक जीवन में गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। ये भी आप जानते हैं, माने वास्तविक जीवन में, माने गणित को अगर वास्तविक जीवन में जोड़ने के लिए इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। क्या क्या, कि उसके अन्य विषयों के साथ जोड़ने के लिए बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर लेके जाइए, कहीं सर्वेक्षण कराइए, घर कैसे बन रहा है, मकान कैसे बन रहा है, परियोजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। ये सभी शिक्षण विधियों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ ऐसा कह सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को माप का संबंध पढ़ाने के लिए प्रमाणिक भाषाओं का उपयोग अप्रमाणिक मापों के पश्चात करना चाहिए। मतलब पहले ये पढ़ना चाहिए छोटा बड़ा, तनुश्री मोटी है, वंशिका मोटी है, राम मोटा है कि श्याम मोटा है, सीमा मोटी है, गीता मोटी है कि तनुआ ज्यादा खाता है, मनुआ ज्यादा खाता है। तो ऐसे हमें करना चाहिए कि पहले अप्रमाणिक माप है, फिर करना चाहिए अच्छा राम से हमसे 3 मीटर ज्यादा ऊंचे पे खड़ा है, तो ये अप्रमाणिक माप के साथ, फिर आगे चलकर हमें प्रमाणिक माप का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बातें भी आप लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए। आकृतियों का स्वरूप, कोण, समरूपता, पैटर्न प्रतिरूप, चौकर आदि, यहां से भी सवाल आते हैं आपके परीक्षा में। फिर हमने और आपने देखा कक्षा 2 के छात्रों का योग सिखाने के लिए एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति क्या है, योग जोड़ के शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाए। माने जोड़ का जो शाब्दिक प्रश्न है कि 5 में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। एक थैले में 5 सेब हैं, उसमें 3 सेब और डाल दिए गए तो कुल कितने सेब है, इस प्रकार के शाब्दिक प्रश्न समुच्चय श्रेणी संबंधित है। लाइन अगर पूछेगा उसका उत्तर होगा समुच्चय श्रेणी से संबंधित है।
एक बटे दस से एक बटे सौ बड़ा है, यह समझने के लिए 10-10 के वर्गीकृत ग्रिड विधि का सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां समस्या सुलझाने कौशलों को उत्साहित करने में मदद करती हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। ठीक, ये सभी पढ़ने के बाद जब भी परीक्षा हॉल में जाएंगे, यकीन मानिए आपको लगेगा सारा प्रश्न, सारा टॉपिक सर ने पढ़ा दिया है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां समस्या सुलझाने के लिए कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। गणित संचालन गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का वर्णन करता है, इसलिए आप इस टॉपिक याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संकल्पनाओं की मूर्त या अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। माने मूर्त रूप में प्रस्तुत करिए चाहे अमूर्त रूप में प्रस्तुत करिए, लेकिन प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के पश्चात शून्य का परिचय दिया जाए, माने बच्चों के अंदर पहले संख्या का ज्ञान विकसित हो जाए, माने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद तब जाकर आपको उन्हें शून्य की संकल्पना का परिचय देना चाहिए। शून्य की संकल्पना प्रारंभ में नहीं देनी है। ठीक है, कक्षा 3 के छात्रों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना चाहिए सबसे पहले, फिर कहानी शब्दों का प्रयोग करके आधा परिचित करना चाहिए, चित्र में आधा परिचित करना चाहिए, फिर आधे के चिन्ह को दिखाना चाहिए। यह क्रम है जहां से आपकी परीक्षा में सीधे सवाल आते। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन करिएगा, इसे रट कर रखिएगा। ठीक है, और सभी लोग ऑनलाइन क्लास में, देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही है। ठीक है, और टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग में दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी संख्या कम है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज ही, क्योंकि आपकी संख्या काफी कम हो रही है, तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे। इसके कुछ देर के बाद आपकी अगली क्लास होगी, जिसका लिंक हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे। आप समय आके इस लेक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा, जो बचा हुआ चीज है वो आपको हम पूरा करा देंगे। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अंकगणित की बात करें, योग माने जोड़, व्याकलन माने घटाना, गुणा और भाग। व्याकलन माने घटाना होता है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है, अगली क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी। नोट्स के लिए आप लोग परेशान होइएगा, सभी जो एनसीईआरटी की नोट्स है वो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगी, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप फेसबुक पेज पर भी कुछ देर के बाद उपलब्ध हो जाएगा, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश से आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्लास प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ी देगा, हो सकता है इस वीडियो को भी इसी में जोड़कर आगे पढ़ा दिया जाए, तो सभी का थैंक यू। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे सब लोग जुड़े हैं ना, यू टेलीग्राम पर इसकी लिंक आपको मिल पाएगी, और ऐप पर इसकी जो पीडीएफ नोट्स है सभी मिल जाएगी, पूरे संपूर्ण क्लास की, जो 5 सब्जेक्ट आपके हैं, 5ों की शॉर्ट में, मैंने कुछ पेज आप पढ़ लेंगे तो पूरा शिक्षण आपका तैयार हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल। क्योंकि आपकी संख्या कम है और हम चाहते हैं कि आप संख्या पूरी होती तो पढ़ाने में और अच्छा लगता और मजा आता। ठीक है, थैंक यू सभी का। हाँ, फिर भी कंटिन्यू होता है आपके साथ मिलकर, टेलीग्राम पे अगर मिले ना मिले, लेकिन ऐप पर आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सभी का। अभी की बार सीटेट पार, अगली बार एक्सिट हमार। थैंक यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हो सके तो आप वीडियो को और देख लीजिएगा, लेकिन अगली सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नोट इस तरह से है, देख रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट नोट्स है, लेकिन इसके लिए क्या होगा, आपको क्लास के अंत तक जुड़े रहना होगा ना। ये सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है, जाननी है, तो क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा सभी लोग, और हम यकीन मानिए इतनी बेहतर सीरीज आपको पढ़ाएंगे जितना आपने कभी सोचा नहीं था। ठीक है सभी लोग, ये काफी महत्वपूर्ण नोट्स है, देख रहे हैं, ये वो नोट्स है जहां से परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं, लेकिन उसके लिए आप सभी को क्लास के अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा।
तब तो आप पढ़ पाएंगे, बिना जुड़े कैसे हम पढ़ाएंगे बताइए। देख रहे हैं ना ये किस तरह से परीक्षा में सवाल आते हैं, ये पूरा अपसारी चिंतन क्या है, अपसारी चिंतन क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे। कब? जब आगे पढ़ेंगे आपके साथ, तब तो हम भी कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए आप लोग जाइए, देखिए गले में क्या जैसे ना अब पता नहीं बहुत ज्यादा सूख रहा है और मैं बार बार पानी पीऊंगा तो गला बैठ जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में समस्या होगी। नेक्स्ट क्लास की लिंक हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, या क्लास हम आज ही समाप्त करेंगे कुछ देर के बाद, या इसी वीडियो लेक्चर में आगे हम ऐड करके आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। गलती मत करिएगा, सारे प्रश्न करिएगा, गणित शिक्षण हो, पर्यावरण शिक्षण हो, हिंदी शिक्षण हो, चाहे आपका सीडीपी शिक्षण हो, सभी आपको नोट्स मिल जाएंगे, उससे बाहर सवाल आपके नहीं आएंगे, इस बात को नोट करिएगा, जानते रहिएगा। थैंक यू आप सभी का, मिलते हैं अगले क्लास में, जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।